हेलो दोस्तों थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है जैसे कि दो पार्ट में हमने इनके पास में जो दो मेयर्स थी इसके बारे में जानकारी जानी अभी और एक एक बहुत ही शानदार कलर है काठियावाड़ी में इसके बारे में हम दादा से जानकारी जानेंगे दादा नमस्ते नमस्ते विशाल दादा शाम में यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर हो जाता होगा बढ़िया एकदम इन्हें रिलैक्स मैं तो बोलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज कर लूं लेकिन टिकट बन गया है ये क्या है घर की मुर्गी दाल बराबर जो कहते हैं हम तो पक गए देख देख के हमें देखनी होती है। अच्छा, चलो ठीक है दादा दादा इसके बारे में बताइए ये नाम है एकवीरा एकवीरा अच्छा ये राज करके गवर्नमेंट स्टैलियन है हाँ। उसकी बच्ची है अच्छा और ये अभी ताज से लगभग सात महीने की सबर है अच्छा और ये इनफैक्ट ओरिजिनली किसी और फार्म पे आई थी महाराष्ट्र में मैंने ही दी थी अच्छा अच्छा नाम नहीं लेना चाहूंगा हाँ। उनके हाँ से यहाँ से ही उन्होंने उसको चाल वाल सिखाई थी वहाँ पे बिल्कुल और अभी यहाँ पे सिर्फ ब्रीडिंग के लिए ये अच्छा। राइडिंग करने देती है पर बहुत गर्म है ये जो कहते हैं ना कावाड़ी गर्म हाँ। तो ये है वो ये गर्म चलती है बिहेव हाँ। मिसबिहेव नहीं करेगी अच्छा अच्छा यानी अड़ेगी नहीं खड़े आलप नहीं करेगी स्वभाव गर्म है स्वभाव पर

मराठी में हम इसको सब्जा या करा के करड़ा कलर ये जैसा आपने फोटो मुझे अभी जस्ट शेयर बताया था कि बहुत ही डार्क थी ग्रे थी जी जी ये पूरी डार्क स्टील ग्रे थी हाँ। दो साल पहले अच्छा। जब ये देवराज भाई के यहाँ पहुंची हाँ। तब कलर तोड़ना उसने चालू कर दिया था ओके, ओके। आगे चलते मेरे हिसाब से घुटने ही काले रहेंगे उसके चारों बाकी तो घोड़ी सफेद हो जाए तो दादा इसको अपने यहाँ पे कितने दिन हुए

आ, आप अगर घोड़ी लेते होंगे खुद के स्टेबल के लिए जी तो आप क्या क्या, -क्या चीजें उसमें देखते तो तो महाराष्ट्र में पहली चीज अगर आपको काठियावाड़ी लेना है हाँ। तो मैं तो मानूंगा येजन हाँ। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वहां से आप एक लो या दो लो ट्रांसपोर्ट तो उतना ही पड़ेगा फ्लोट का पर मैं जो खुद देखता हूँ मैं चेस्ट देखता हूँ घोड़ों की अगर छाती नहीं।, नहीं है उनमें गर्दन अभी काठियावाड़ी में कुछ गर्दन है शॉर्ट आती है चेस्ट देखता हूँ मैं ज्यादातर घोड़े पैरों से देखना चाहता अच्छा अच्छा तो हाँ हाँ। देखूंगा बाकी बोन स्ट्रक्चर देखूंगा और लास्ट में उसके फीचर्स जो है काठी फीचर्स जो है कान का नौत अगर आप इसकी देखोगे बल्जिंग आइज जैसे मैंने पहले कहा और ये तवा बड़ा होना चाहिए मैं बाल भवरी खुद देखता नहीं हूँ पर मेरा नसीब अच्छा है कि नहीं पता नहीं पर नहीं। मेरे यहाँ खराब भौरी के बहुत कम घोड़े हैं अच्छा अच्छा बाद में पता चलता है मैं आज भी कोई पूछता है नहीं। यारे, उस का भावरा। तो मैं नहीं। और इसके कान काफी सुंदर है लेकिन इसके जी कानों में योला में जब भी जाता हूँ काठियाड़ी मुझे दिखते है अलग अलग कभी कभी नहीं ऐसे कान आते ऐसे हाँ, कान आते ऐसे भी एसे, आते और थोड़े खुले हाँ, भी आते क्योंकि मैं जब आपने दे पाता, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं मैं इसमें ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा हाँ, नहीं लेकिन जितनी है जी 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 मेरे लिए काम में अपना ग्रुप में भी डिस्कशन बहुत बार होती है बारे में अभी कान जो है घोड़े के स्पेशली के ये देवराज सिंह बहुत पहले बोला था हाँ। नमती पग बोलते हैं जिसे लक होती है हाँ। जिसे खड्डा होता है उसके कान आगे होते हैं जब उन्होंने बताया उसके बाद मैंने ये चीज पे गौर किया ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स जिनके कान जिनको कॉन्के फेस है उनके कान थोड़े आगे अच्छा अच्छा पता नहीं क्यों मैंने एक दो देखे जिनके सीधे है। मैं ये नहीं बोलना चाहता है ये, अच्छा, 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 तो ये ब्रीड में आपको देखना चाहिए मेन पीछे के पैर अच्छा अच्छा क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स वहाँ फुले को जो होता है या कुदवाते है तो पीछे के पैर के गमचे जो है या मुट्ठे के ऊपर गमचे तक बहुत झुके हुए होते हैं अच्छा अच्छा नीचे बहुत अच्छा। सारे घोड़ों में घुटनों में तकलीफें देखी है मैंने अच्छा, यंग उसस, अच्छा, अच्छा। अच्छा। साल के घोड़े जो पैर में खराब है तो और मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग ये सारे करते हैं हाँ। पर कुछ घोड़े मिलते हैं जिन्हें कुदवाया गया है ज्यादा कम उम्र में जब उनका बोन स्ट्रक्चर पूरा फिजियोलॉजिकली डिवेलप नहीं हुआ अच्छा अच्छा उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है पर जो मुन्ना लाते है तो बच्चे होते बहुत सुंदर होते और ज्यादातर सब गवर्नमेंट स्टैलियंस के होते हा, हा। क्योंकि क्यूँकी काठियावाड़ में ज्यादातर नर नहीं रखते नहीं। अच्छा गवर्नमेंट स्टैलियंस तो हर जगह अवेलेबल है, तो मेयर ज्यादा रखना पसंद करते तो, तो बच्चा जब आता है तो बोटा से मुन्ना भाई लेके यवला ले आते हैं बिल्कुल, बिल्कुल और बहुत सुंदर सुंदर बच्चे, बच्चे मैंने बहुत कम कीमत में बिकते देखे हाँ 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 यवला में आप बोले भी थे। उस बारे में मुझे दस दस बारह बारह हजार में ऐसे घोड़े बिखे हुए देखे सोन माकड़े देखे बिल्कुल पूरे एक रंग के घोड़े देखे हुए है तो चलो ठीक है दादा जी अभी और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और जानकारी देखेंगे गाय हंटता है साहब